हाउ डू द गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट द फार्मर। अगर कोई अच्छी तरह से जो है वो जानवरों का जो है वो पालन करता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि जहां पर जो है पशुपालन किया जाता है उस स्थान को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस अगर अच्छे ढंग से की जाए तो उससे फार्मर को क्या फायदा होगा, यही है ना। अब उससे क्या फार्मर, जो कैटल फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग एक तरीका है, यानी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री का एक तरीका है पशुपालन, कैटल फार्मिंग। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो कि कोई किसान है जिसके पास गाय है, भैंस है, बैल है, वो ये पालता है, तो पहली बात तो गाय भैंस से उसका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, दूध उत्पादन वो कर पा रहा है, और बैल को वो खेत में काम पे ले पाएगा। बैल क्या है, वो ड्रॉट एनिमल है। ऑक्स हमारा क्या है, ड्रॉट एनिमल। इनको हम ड्रॉट एनिमल क्यों कहते हैं कि ये दूध तो नहीं दे सकता, ठीक है, पर ये हमारे किस काम में आ जाएगा, इसे हम खेत में लेबर के काम में ले सकते हैं, ठीक है, मेहनत वाले काम में यूज कर सकते हैं, सामान ढोने के लिए, ठीक है, बैलगाड़ी में जोड़ने के लिए, कार्टिंग के लिए, सिंचाई करने के लिए। पहले तो क्या करते थे, वो जो है कुएं से पानी निकालने के लिए भी जो है वो बैलों को जोड़ा जाता था, रहेट चलती थी। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रहेट सिस्टम, तो रहेट चलाने के लिए रहेट से जो है पानी दिया जाता था खेतों को, तो उसमें बैलों को जोड़ दिया जाता था, ऑक्स, है ना, तो बैलों को जोड़ते थे। फिर टाइलिंग करना, खेत की जुताई करना, तो उसमें भी जो है ड्रॉट एनिमल्स यूज हो जाते हैं, बैलों को, सांडों को यूज कर लेते हैं। तो अगर कोई किसान जो है वो पशुपालन करता है तो उसके बेनिफिट कई हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही करता है, वो ड्रॉट एनिमल्स को भी जो है यूज करना जानता है, और उनसे भी जो है वो बेहतर जो है वो काम ले सकता है, उनको लेबर में यूज कर लेता है, कार्टिंग में, इरिगेशन में, टाइलिंग में। तो ये सब जो है फायदे होते हैं किसके, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस को अच्छे से यूज करने के फायदे हैं ये। क्लियर है?